पहचान की बहुत बहुत स्वागत है। आज आप ओशीवारा पुलिस स्टेशन पर आए, मनीषा रानी ने आपके ऊपर कंप्लेन दर्ज कराई है आपके खिलाफ की, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, बताना क्या हुआ है? देखिए मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शायद जो मैं सोचता हूँ थोड़ा अलग किस्म का सोचता हूँ, तो मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मनीषा रानी ने मेरे खिलाफ़ कंप्लेन करी है। कम से कम सामने आई तो वो जो छुप रही थी भाग रही थी इस बहाने सामने तो आई हैं। कोई भी मेरी कंप्लेन करी, मुझे यहाँ पुलिस ने पूछताछ के लिए आज बुलाया है और मेरा स्टेटमेंट उन्होंने ऑलरेडी दर्ज कर लिया है। मैं हमेशा पुलिस का सहयोग करता आया हूँ और मुझे खुशी है उन्होंने जो जो मेरे सवाल करे मैंने उसका जवाब दिया, आगे भी देता रहूँगा। मनीषा रानी मुझे कभी भी बुलाएंगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मनीषा रानी ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है, एक दिन मनीषा रानी इसी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होंगी। नहीं, लेकिन क्या किस बेस में आपको बुलाया गया है? लगातार आप मनीषा रानी के बारे में मीडिया में बोलते जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के बारे में बोलते जा रहे हैं, कभी आप उनके एक्चुअली पीनम केस के बारे में बोलते जा रहे हैं। लगातार आप ये कहिए, लगातार मैं मनीषा की रानी की सच्चाई दुनिया के सामने लाता जा रहा हूँ। अब मनीषा रानी ने के खिलाफ जब 3 दिन पहले मैंने उसके असली बॉयफ्रेंड का खुलासा किया था तो मनीषा रानी को बहुत मिर्चें लग गई हैं। अब उससे वो तड़पती हुई मछली की तरह हो गई जो पानी से बाहर आ जाती है, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये फैजान इतना अंदर कैसे चला गया है। जबकि मैं और मेरी लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है, मैं पूरा सबूत इकट्ठा करता जा रहा हूँ और अगर मैं कभी ज़िंदगी में मनीषा रानी की वजह से जेल जाता हूँ उसमें भी डरूंगा नहीं और जेल की दीवारों पर भी लिख के आऊँगा कि एक दिन मनीषा रानी भी इस जेल में आएगी और मनीषा रानी का सच दुनिया के सामने लेके आऊँगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मुंबई पुलिस ने क्या पूछताछ किया आपसे, क्या क्या सवाल किए? पहले तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मनीषा रानी को आप क्यों परेशान कर रहे हैं। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, मैं उनका सहयोग कर रहा था, मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा मनीषा रानी को आप क्यों परेशान कर रहे हैं, मनीषा रानी ऐसा कह रही है वैसा कह रही है। मैंने कहा सर मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ्स है, मैं सारी चीज़ सामने ला रहा हूँ और आप एक मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, मैंने उनसे कहा कि आप मनीषा रानी को भी कल पुलिस स्टेशन बुलाइए ना सर, तो वो कह रहे हैं हम उससे बात करके बताएंगे। तो मेरा पूरा उन्होंने मुझसे पूछताछ करी है, केस क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉयफ्रेंड कौन है, पर्सनल लाइफ क्या है, पर्सनल के अलावा क्या है, मनीषा रानी कैसे जानते हैं, जो उन्होंने पूछा मैंने सबका जवाब दिया। और मुझे रोज़ बुलाएगी अगर मुंबई पुलिस तो भी रोज़ आके मैं अपना स्टेटमेंट दूंगा, मुझे हर घंटे बुलाएगी पुलिस तो भी हर घंटे आके अपना स्टेटमेंट दूंगा। किस तरह का रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट में, क्या सवाल पूछे गए? सवाल में मुझसे ये पूछा गया मनीषा रानी को आप क्यों परेशान कर रहे हैं, मनीषा रानी से आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम है क्या, जो जो उन्होंने पूछा मैं आपको बताऊँ। मैंने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे आपके एक्शन क्या है, मनीषा रानी के खिलाफ आपके पास सबूत क्या है, मनीषा रानी ने कहा आपने यहाँ पे नाम लिया वहाँ पे नाम लिया ऐसा क्यों किया। मैंने हर एक चीज़ का जो सच था जो मुझे मालूम है जो मुझे उस वक्त याद था मैंने सब स्टेटमेंट अपना दर्ज यहाँ पुलिस स्टेशन में करा दिया, आपके सामने खड़ा हूँ। कई सारे बड़े खुलासे किए थे कि आपने कहा था कि एक महीना में मनीषा और एलबी यादव का नाम है, आप क्या कहना चाहोगे उस केस के रिलेटेड, आपने मुंबई पुलिस को क्या दिया? उस केस के खिलाफ तो पहले से मैंने मनीषा खिलाफ के यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल है, ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसी पुलिस स्टेशन में मनीषा रानी एलविश यादव खिलाफ केस रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो मैंने अभी बॉयफ्रेंड ने खुलासा किया उसमें मनीषा रानी बहुत घबरा गई, डर गई, अब वो बिल से बाहर निकल रही है और मैं ये चाहता था कि सामने आके लड़ाई हो, जो सच हो वो जीते, जो गलत है वो हारे। मैं चाहता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो मैं हारूँ, वो गलत है तो वो हारे, सिंपल सी बात है। लेकिन आप उनकी निजी जिंदगी में भी कुछ आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये बॉयफ्रेंड होना तो कुछ गलत बात? देखिए बॉयफ्रेंड होना एक अलग बात है, गर्लफ्रेंड होना अलग बात है, बट किसी के साथ आप छुप के रह रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं, किसके कितने गर्लफ्रेंड हैं, ये गलत चीज़ें हैं जो लीगल लॉ के अगेंस्ट हैं, वो मैंने खुलासा किया। नहीं नहीं, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि छुपके रह रहे हो, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड ने तो मीडिया में आके नहीं बोला, वो आने से आपको बोला क्या? नहीं, वो आने से डर रहे हैं, लेकिन आप उनके जाएंगे तो वो भी बोलेंगे, उनकी भी उससे झगड़ा हो चुका है। फिर डॉली के साथ जो उनका झगड़ा होता है, डॉली के तो कपड़े मनीषा रानी चुराती थी, डॉली ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है पैसे लेके वापस देती नहीं थी और क्या क्या गुल खिलाया डॉली ने, हर एक चीज़ ऑलरेडी वो इंटरव्यू में पहले ही सर वायरल हो चुकी है। तो अभी मैं अकेला नहीं हूँ जो मनीषा रानी के खिलाफ बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी डर नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है? सर देखिए पुलिस अपना काम करती है, पुलिस के नज़र में कोई भी पर्सन नहीं है, जो गलत होगा पुलिस उसको सज़ा देगी और मैं भी यही चाहता हूँ जो गलत है उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे अगेंस्ट ले, मनीषा गलत है तो मनीषा अगेंस्ट ले, लेकिन कॉपरेट करना चाहिए पुलिस के साथ जो मनीषा रानी नहीं कर रही है और पुलिस से भागती फिर रही है, कभी सामने नहीं आ रही, अभी भी फ़ोन कर करके उनसे बोल रही फैजान अंसारी को बुलाइए पूछताछ करिए, अरे मनीषा तुम तो सामने आओ एक बार मेरे, तुम तो अपना स्टेटमेंट दो मेरे लिए अगर हिम्मत है तो, सच थोड़ा सा भी 1% भी सच्चे सामने आओ। सर मैंने बोला उनसे, वो नहीं बोला, मैंने उनको बोला मनीषा को सामने बुलाइए कल सामने सामने बात करते हैं, लेकिन सर सच्चाई की कमी जिसके पास है वो कैसे सामने आएगी, इससे बड़ा सबूत मैं दुनिया को क्या दूँ, क्या आके बोलेगी? नहीं लेकिन आप कह रहे सबूत है लेकिन पुलिस ने तो आपको बुला दिया पूछताछ के लिए, जी उनसे तो नहीं मांगा अभी तक सबूत जी, और एफआईआर दर्ज तो अभी तक हुई नहीं पुलिस। देखिए एफआईआर दर्ज उसने मनीषा ने कोशिश करी थी बट मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज अभी नहीं हुई क्योंकि मेरी लीगल टीम बहुत स्ट्रांग थी, मेरे पूरे लॉयर्स ने भी आके पुलिस से बात करी, अभी आपके साथ ही थे यहाँ पे वो, सो एफआईआर मेरे अगेंस्ट नहीं करा पाई मनीषा रानी, उसने कोशिश करी थी लेकिन अभी खाली उसने कंप्लेन फाइल कराई जिसमें मुझसे पूछताछ हुई है और पुलिस ने यह भी कहा है कि आपको हुआ तो 2-3 दिन में फिर पूछताछ के लिए बुलाएंगे। मैंने कहा सर आप मुझे रोज़ बुलाइए मुझे प्रॉब्लम नहीं, 2-3 दिन बाद फिर से बुलाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।